क्या कहा मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह के नबी ने, लोगों थोड़ा अपने कानों के पर्दों को साफ करो, जरा अपने दिल के मैल को दूर करो, थोड़ा अपने दिमाग को इधर हाजिर करो और अल्लाह के नबी की इस हदीस को सुनो जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, एक काफिर का मुस्तकबिल, एक गुनाहगार का मुस्तकबिल, एक मुनाफिक का मुस्तकबिल क्या होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जब एक गुनाहगार की रूह निकालने का वक्त आ जाएगा, वो आसमान से दो काले काले फरिश्तों का नुजूल होगा जो जहन्नम का टाट अपने साथ लाए होंगे। अभी रूह नहीं निकाली गई, रूह निकालने से पहले वो फरिश्ते आकर उसके पास बैठ जाएंगे, थोड़ी दूर पर बैठ जाएंगे। कौन आएगा? फरिश्ता आएगा। कौन सा? रूह को निकालने वाला। वो रूह को निकालने वाला जिसने आदम की रूह को भी निकाला था, वही फरिश्ता आएगा जिसने नूह की रूह को भी निकाला था, वही फरिश्ता आएगा जिसने इब्राहिम की रूह को भी निकाला था, वही फरिश्ता आएगा जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह को निकाला था। वो वही फरिश्ता होगा लोगों जो तुम्हारी रूह को भी निकालेगा और मेरी रूह को भी निकालेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो गुनाहगार के पास वो फरिश्ता जब आकर कहेगा, ए रूह, ए बदबख्त रूह, ए गुनाहगार रूह, निकल अल्लाह की गजब की तरफ। वो गुनाहगार की रूह के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, वो थर्रा जाएगी, वो हैबत के मारे, वो वहशत के मारे, वो काफिर के जिस्म के अंदर निकलने के लिए तैयार नहीं होगी, जिस्म के अंदर छुपने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लोगों, वो मौत का फरिश्ता वो गुनाहगार के हलक में अपने पंजे को डालेगा और खींच कर उसकी रूह को निकालेगा। ऐसा ही अंजाम होगा जैसे ऊन का कपड़ा होता है, जैसे मलमल का नरम कपड़ा होता है, कांटों के ऊपर कांटीदार चीज पर डालकर जब उसे खींचा जाता है तो उसका तार तार खींचा चला आता है। इंसान गुनाहगार की रूह खींच कर निकाली जाएगी। सोचा इस मुस्तकबिल के बारे में कभी? ये फ्यूचर भी है हर इंसान का, ये मुस्तकबिल भी होने वाला है इंसान का। फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ना, मुस्तकबिल की फिक्र होती है ना हमें, क्या बनेगा हमारा। कभी सोचा हमारी रूह कैसे निकाली जाएगी? क्या खींच कर निकाली जाएगी? क्या आसानी से निकाली जाएगी? अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, जब एक इंसान की रूह उसके हलक से निकाली जाती है, ऐसी होती है उसकी पिंडली से पिंडली मिल जाती है, दोनों पैर आपस में लगड़ने लग जाता है। अल्लाह अकबर। मुस्तकबिल इंसान का सबके साथ होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। चाहे तुम एक्सीडेंट में मारे जाओ तो भी रूह निकाली जाने वाली है, तुम छत पर से गिर के मर जाओ तुम्हारी रूह ऐसे ही निकाली जाने वाली है, तुम समंदर में डूब कर मर जाओ तुम्हारी रूह ऐसे ही निकाली जाने वाली है, तुम्हारे हार्ट अटैक आ जाए तुम्हारी रूह ऐसे ही निकाली जाने वाली है, तुम्हें कैंसर हो जाए तुम्हारी रूह ऐसे ही निकाली जाने वाली है, तुम बिस्तर पर नॉर्मल पड़े पड़े मर जाओ तुम्हारी रूह ऐसी निकाली जाने वाली है। याद रखना, सबकी रूहों को निकाला जाएगा। ये मुस्तकबिल उसका होगा जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होगा, जो नबी का इताअत करने वाला ना होगा, जो कुरान के हुक्मों को ना माना होगा। ये मुनाफिक और मुशरिक और काफिर की रूह, गुनाहगार की रूह इस तरह से